हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका हॉल टिकट आ गया है उसके अंदर दो जगह आपको कुछ अलग ही दिख रहा होगा, CACA लिखा हुआ है। आखिर ये CACA का मतलब क्या है, आपके दो सब्जेक्ट में CA लिखकर क्यों आया है और इसका यूज क्या है? तो पहले मैं आपको हॉल टिकट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हॉल टिकट में पूरा आपको डिटेल दिया हुआ है। मैं डिटेल यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, तो आप लोग अपने हॉल टिकट में देख लेना। आपके नेम दिए रहेंगे, रोल नंबर दिया रहेगा, बाकी आपके वेन्यू कहाँ पे आपके एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम का डिटेल आपको दिया रहेगा। सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको नीचे सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है और साथ में आपको सब्जेक्ट नाम लिखा है और यहाँ पे लिखा है कि थियरी है और यहाँ पे EUA लिख के दिया है, डेट लिख के दिया कि कौन से डेट को कौन सा एग्जाम है और टाइमिंग दिया है। टाइमिंग दिया है 10:30 से लेके 1:30 के बीच में होगा और बाजू में सुपरविजन सिग्नेचर है। आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सेम ऐसे लिखा हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि आपका 19 तारीख को है, सेम लिखा हुआ है EUA। बिजनेस इकोनॉमिक्स में सेम लिखा हुआ है, 21 को है, जिसके लिए आपको एक तारीख का एक दिन का गैप मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। 10 यहाँ पे 10:30 से लेकर 1:30 तक एग्जाम है और कॉमर्स का भी है, लेकिन लास्ट के दो जो सब्जेक्ट है इसका CACA लिखा हुआ है। आखिर CA क्यों लिखा है? बिकॉज ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं और इस बार मुंबई यूनिवर्सिटी ने ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपको होम सेंटर में दिया है। होम सेंटर मीन्स क्या? आपके खुद के कॉलेज में एग्जाम होने वाला है, बाकी के चार सब्जेक्ट के लिए सिर्फ आपको एग्जाम देने आपके सेंटर पे जाना है। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये आपका कहाँ पे कॉलेज में होने वाला है। तो जो भी आपके हॉल टिकट में आपका सब्जेक्ट रहेगा जिसके सामने आपको CA लिखा हुआ रहेगा वो आपका होम सेंटर रहेगा, उसके आपको होम सेंटर में आपको एग्जाम देना है। मीन्स आपको सेम कॉलेज में जाकर एग्जाम देना है। जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केटिंग है, इसका भी एग्जाम आपका सेम कॉलेज में होने वाला है, मतलब आपके खुद के कॉलेज में होने वाला है, होम सेंटर रहेगा। तो दो सब्जेक्ट आपको सबके हॉल टिकट में आपको दिया रहेगा जिसका सेंटर आपका सेम कॉलेज में, मीन्स आप जिस कॉलेज से स्टडी करते हो सेम कॉलेज में आपको देना है और टाइमिंग सेम है 10:30 से लेके 1:30 के बीच में। बाकी के अदर सब्जेक्ट के लिए आपको दूसरे कॉलेज में जाना है और दूसरे कॉलेज में जाके आपको एग्जाम देना है। अभी रही बात पेपर चेक करने का, तो जो आपका होम सेंटर में जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसका पेपर कॉलेज में ही चेक होगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट का पेपर जो रहेगा वो मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से, नॉर्म के हिसाब से चेक किया जाएगा। थैंक यू सो मच।